अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। हमारे कुछ इम्पैक्ट भी हैं, उस इम्पैक्ट की वजह से एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, डिप्लेट कर रहा है। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ दैट डिप्लेशन, दैट फर्स्ट इज ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ का, ठीक है। जो वाइल्ड फ्लोरा और फाना है वहाँ पर डिफरेंट विजिटर्स, जो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, इवन जो लोकलाइज्ड पीपल हैं आपके, ठीक है, मकामी लोग, वो भी क्या कर रहे हैं, हंटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जब हंटिंग एक खास लेवल से ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। इसी तरह ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग से क्या हो रहा है, ओशंस के अंदर फिशेस बहुत रिड्यूस हो गई हैं, यहाँ तक कि वो एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड हो गई, और एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं उनकी कुछ वैरायटीज। सिमिलरली अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या है, शहरों का बनना, क्या हो रहा है, विलेजेस के अंदर जितने भी गाँव हैं वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और वो उनको किस साइड पर लेकर आया जा रहा है, टुवर्ड्स द साइड ऑफ अर्बनाइजेशन। जितने ज़्यादा सिटीज़ होंगे उतनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रही, और अल्टीमेटली आपका जो एनवायरनमेंट है वो उतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ओके, एवरीवन इज़ नाउ डेज यूजिंग हिज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग प्रेफर नहीं करते, तो जब बहुत ज़्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो बहुत एक डेंजरस लेवल तक क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ एनवायरनमेंट। होप सो स्टूडेंट, आप लोगों को समझ लग जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।